पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रियंका गांधी की टीम के सदस्य और मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की गुंडई और दबंगई की वीडियो वायरल होने के बाद अब पीड़ित व्यक्ति ने मीडिया के सामने आकर मुरादाबाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पिछले दो दिनों से मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नेता रिजवान कुरैशी और उनके भाई फैजान कुरैशी की गुंडई के वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि शहर विधानसभा सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले रिजवान कुरैशी एक लंबी दाढ़ी और गोल टोपी पहने व्यक्ति को बुरी तरह से मारते हुए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद की राजनीति में दबंग कांग्रेसी नेता को लेकर चर्चा चल रही है। आज पीड़ित व्यक्ति शहजाद कुरैशी ने भी SSP कार्यालय आकर मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि वो उस शहर सीट से सपा का पोलिंग एजेंट था, जिससे चिढ़ते हुए कांग्रेसी नेता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे बंधक बनाया और फिर सब ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। ये सब उसके साथ राजनीतिक रंजिश के कारण किया गया है। अब वो SSP से मिलकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग कर रहा है। मामला ये था, मैं एक सबसे पहले 14 तारीख को जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव में मैं यूसुफ अंसारी का पोलिंग एजेंट बना हुआ था। तो मैं बरातुर कुरैश स्कूल के अंदर था, तो वहाँ पर हाजी रिजवान कुरैशी मेरे पास आए भी थे और उन्होंने मुझे वहाँ पर भी धमकी दी थी कि भाई तूने ये बहुत बड़ी गलती की है नहीं कि तूने जो है पोलिंग एजेंट बनाया इनका और मैं तुझसे 10 तारीख के बाद में निपटूंगा। उसके बाद में जो है मामला शांत हो गया था। फिर उन्होंने मुझसे काफ़ी मरतबा उन्होंने मुझे इस चीज़ पे टॉर्चर किया कि भाई तू जो है अच्छा नहीं कर रहा है, तुझसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि मेरी कोई उनसे पारिवारिक या कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नहीं सिर्फ उन्होंने एक चुनाव के आधार पर जो है मुझसे रंजिश रखी है। अब 12 तारीख को जो है उनके भांजा था एक अयान कुरैशी, उससे मेरी जो है बहुत ज़्यादा नोकझोंक हो गई थी चुनाव को लेकर के, नहीं तो उस पर जो है उसने मुझसे गाली गलौज करी, मैंने उससे गाली गलौज करी। उसी दौरान जो है हाजी रिजवान कुरैशी ने जो है मुझे बुलाया और बुलाकर जो है फिर मुझे अपने घर के ऑफिस के अंदर बिठा कर मुझसे बातचीत करी। उसमें जो है मुझे बहुत सारी धमकियाँ दी। धमकियाँ देने के बाद में मुझे वो अंदर ले गए। अंदर ले जाके उन्होंने बुरी तरीके से मारा, उनके भाई ने मारा फिज्जी ने, और उनके सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला ने मारा, और उनके भांजा अयान ने मारा, और खुद हाजी रिजवान मौजूद थे, उन्होंने खुद मारा। नहीं तो वहाँ से मैं कैसे ना कैसे, मुझे बहुत देर तक अंदर बंदी बनाए रखा उन लोगों ने, समझे नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर मेरे मोहल्ले के कुछ लोग आए, मेरे अपने भाई वगैरह सब वो वहाँ पे जब इकट्ठे हुए नहीं तो उन लोगों ने उनसे बात करी, तो उन्होंने उन लोगों के सामने कोई ऐसी बात जाहिर नहीं की कि जिससे कि जो है कोई व्यवस्था फैले नहीं, तो उन्होंने जो है वहाँ से मुझे कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकाल लिया। मैं वहाँ से निकल के भाग गया। उसके बाद में जो है रात को 1 बजे के बाद में जो है ये वीडियो वायरल की गई। वीडियो भी वायरल करी उनके भांजे ने, जिसका नाम है अयान, उसके पिता का नाम है हाजी अरकान। ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं 28 विधानसभा से। चोरी का कोई सबूत दे दें मुझे। उन्होंने ये कहा है वीडियो में कि अपने प्रत्याशी जिस पे तू कूद रहा था हाजी यूसुफ अंसारी को, अब बुला, अब वो तेरी हिमायत में नहीं आ रही है यहाँ को तुझे बचाने के लिए। और उनके भाई ने और उन्होंने भी ये बात कही कि पहले इसके पास ला के तमंचा रखो और तमंचे में इसको जो है जेल भेजो, इसको जो है इसको गौकशी में रखवाओ और इस पर तमंचा लगाओ, समझे नहीं, दो तीन और तमंचा रख के इसके पास इसको जेल के अंदर भेजो। किस बात पे बहस हुई थी आपकी पहले जो उनके भांजे से? बहस इसी बात पे, चुनाव रंजिश पे। अभी मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है, जैसे ही कार्रवाई करूँगा मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँगा। यहाँ मैं आया नहीं था, मुझे यहाँ मतलब कुछ लोगों ने बुलाया था, अब ये मेरे पत्रकार भाई हैं, इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने इनको जो है बता दिया है। अभी नहीं पहुँचा हूँ मैं कप्तान साहब के पास, अभी मेरा मशवरा चल रहा है, जैसे भी आप होगा उसका मैं आगे आपको मशवरा दे दूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब ये वही बता सकते हैं, उन्होंने मारा है ना अपने रिश्तेदार को, वो खुद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।